हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी मीडियम की मैथ की बुक गणित गणित संगम। इसका फर्स्ट जो हमारा रिवीजन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं उनके बारे में पढ़ेंगे। इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के बारे में, ठीक है। जैसे आप पढ़ते 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, तो इकाई और उसमें दहाई मिक्स करके आपकी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी संख्याएं, ये देखिए 11 से लेकर 100 तक की संख्याएं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताई गई हैं। अब हमारा आता है अभ्यास आ। आ से हम स्टार्ट करेंगे। खाली बॉक्सों को भरिए, ठीक है। ये 8 दहाई + 3 इकाई, इकाई जो इधर साइड होती है और दहाई इधर होती है। जैसे 12 लिखा हो तो इसमें पूछे कोई इकाई क्या है और दहाई क्या है, ठीक है। तो ये हम कॉपी पर बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 12, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें इकाई क्या है और दहाई क्या है, तो आप बता सकते हैं इकाई। देखिए ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ये हमारा इकाई होता है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा होगा ये क्या होगा, दहाई होगा। तो आप बता सकते हैं अगर कोई कहे इसमें इकाई क्या है दहाई क्या है, तो 12 में पूछे या कोई भी संख्या ले तो आप बता सकते हैं। जो ये 2 हमारा क्या होता है, इकाई होता है, और 1 हमारा क्या, दहाई होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक। 1 दहाई 2 इकाई, ठीक है। 1 दहाई 2 इकाई, 10 2 12, ठीक। जैसे आप यहाँ पे दिया गया है 8 दहाई + 3 इकाई बराबर 8 दहाई, दहाई मिस होता आपका 10, इकाई मिस आपका होता है 1। 10 हुआ, 10 में 10 का गुणा आप 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 80। 80 + 3 इकाई, इकाई में 1 ही होता है, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा। देखिए इस तरीके से अगर आप समझ में ना आए तो पहला हम समझाते हैं आपको। 8 दहाई, ठीक, प्लस 3 इकाई, हाँ, इस तरीके से बराबर दिया गया आपका 80 + 3, ठीक है, बराबर 83। अगर कैसे पता चला आपको, 8 दहाई, दहाई मिस हमारा होता है 10, इकाई मिस होता है 1। अब बताइए 8 × 10 + 3 × 1, 8 दहाई 80 + 3 = 3, ठीक। 80 + 3 बराबर क्या होगा हमारा, सॉरी 83, ये आपका क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 8 का जैसे ये चीज़ हमने समझाने के लिए आपको बताई कि 8 दहाई, दहाई मिस होता है 10, इकाई मिस 1, तो 8 × 10 + 3 × 1, 8 दहाई 80 + 3 = 3, तो ये 80 प्लस, देखिए दिया गया है 80 + 3 बराबर, 80 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 83। इसी तरीके से अब 2 का, तो 2 दहाई 2 × 10 हो जाएगा 20, प्लस 1 × 1 एक ही होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 21। 21 इस तरीके से आप बॉक्स में भर देंगे 21, ठीक, ये हमारा 21 हो गया। उसी तरीके से ये तीसरा हमारा 3 दहाई + 0 इकाई बराबर 30 + 0 कितना हो जाएगा आपका, 3 का गुणा आपका हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30 प्लस 1 × 0 × 1, तो आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 के जो प्लेस है वहां पे हम कुछ राइट नहीं करेंगे, तो इसमें ना ही ऐड किया गया, देखिए ना इसमें क्या है कुछ ऐड किया गया ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 30 प्लस क्या कर देंगे आपका, 30 बराबर 30 कर देंगे, या 30 यहाँ पे 0 है, 30 हो जाएगा, तो 30 + 30 + जोड़ेंगे इसमें 0, तो उसको कोई वही नहीं, 30 ही आएगा। 3 दहाई + 0 इकाई बराबर 30 आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका 5 दहाई + 6 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 50 हुआ, 50 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 56। ऐसे ही 6 दहाई + 4 इकाई 6 में 60 + 4, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, 4 भरोगे, ये हो जाएगा 64, ठीक है। 95 दिया गया है तो 95 आप राइट कर दीजिएगा इस तरीके से।
फिर आपका आता है दूसरा, ये सब आपको फेयर में करना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको बताना ना पड़े बाद में कि क्या करना है क्या लिखना है। तो वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अभ्यास डालिएगा और यहाँ से फिर लिखना फेयर में स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा, खाली बॉक्सों को भरिए, 27 से एक अधिक होता, अगर 27 में हम एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 28, 35 से एक अधिक होता, 35 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, 53 में एक जोड़ेंगे 54, ठीक है। इसे आप देखिए इधर बता रहा है कम, 85 से एक कम होता, तो 85 माइनस एक बराबर 84, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8, तो 38 हो जाएगा, 3 दहाई 8 इकाई, ठीक। अब कह रहा है 75 से एक कम होता, तो 75 में जो 5 5 में से एक गया 4, 74 मतलब 74, 7 दहाई 4 इकाई। इस तरीके से आपको फिल करना है, उसके बाद फेयर पे करना, ठीक। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या आती है ठीक बाद में, ठीक बाद 29 के बाद क्या आएगा आपका 30, 3 दहाई 0 इकाई 30, 51 के बाद 52, 5 दहाई 2 इकाई 52। अब कह रहा है ठीक पहले की संख्या, अब बताइए 50 से पहले की संख्या अगर आपको ऐसे ना याद हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 50 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 49, 4 दहाई 9 इकाई, ठीक है, 4 और 9। फिर इसमें से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 37, 3 दहाई 7 इकाई, ठीक है। अब कैसे लिखा जाएगा 49 ऐसे लिखा जाएगा आपका, 37 आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स में भर लीजिएगा। उसके बाद आपका है 70, 70 में 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 69, 69, ठीक है, इस तरीके से 69 में 1 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्या है बीच मध्य में, मतलब बीच की संख्या जानेंगे, बिटवीन नंबर। अब 70 में या आप एक जोड़ दीजिए या 72 में से एक माइनस कर दीजिए, 70 में एक जोड़ोगे कितना होगा 71 होगा। फिर 19 में एक जोड़ेंगे आप क्या हो जाएगा 20, 2 दहाई 0 इकाई, इसमें हो जाएगा 7 दहाई 1 इकाई, इसमें 2 दहाई 0 इकाई, और इसमें 85 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 86, 8 दहाई 6 इकाई, ठीक है। तो आपका पहला हो जाएगा 71 ऐसे, फिर आपका हो जाएगा क्या है 20 दिया गया, 19 दिया गया आपका 20 इस तरीके से, और लास्ट वाला आपका क्या है 85, तो 86 इस तरीके से आप बॉक्स में भर देंगे। पहले में 71, दूसरे में 20, तीसरे में 86, ठीक है, कि आपको नंबर लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। फिर आपका आता है ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर स्थानीय मान के बारे में आया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अभ्यास बा पे, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में रंगीन छपे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आप पहले तो जानते हैं कि स्थानीय मान आप जानेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले हम इसे बताएंगे आपको किस तरीके से हम स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे दिया गया है 25, ठीक है। अब 25 में किसका निकाला हमको 5 का, हाँ, ये हमारा क्या होता है इकाई, ये हमारा क्या होता है दहाई, ठीक। इस तरीके से आप करेंगे ऐसे, यहाँ पे कि इकाई मतलब एक तो लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये इकाई का स्थान है, 1 × 5। अब बताइए 5 × 1 में करेंगे कितना होगा 5 × 5। अब आ जाते हैं दूसरी संख्या को लेके, हम दोनों का इसमें बता रहे हैं, बट जो आपको एक का निकालना हो तो वो भी हम बता देंगे। अब 2 है इसके, ये क्या है 2, तो यहाँ हम क्या सॉरी पहले इसके ऊपर क्या है, ये दहाई का प्लेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10, फिर आपका मल्टीप्लाई मतलब गुणे का निशान, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका 2, 10 × 20, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो होता है वो निकाला जाता है स्थानीय मान। अगर ये 3 संख्या का हो जाए 3 6 8, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा मतलब 100 होता है, इकाई मीन्स 1, दहाई मीन्स 10 और सैकड़ा मीन्स 100। चलिए एकदम आसान तरीका है आपका, ये इस तरीके से करेंगे हम, यही जो नंबर ऊपर दिया गया है ये हम राइट करेंगे 8 1 × 8 = 8, क्योंकि 1 का गुणा जब भी हम किसी संख्या में करेंगे वही संख्या हमको वापस मिल जाएगी। फिर 6 से लेंगे आपका हो जाएगा ऊपर कितना दिया 10, 10 × 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा 60, 10 × 60। फिर 3 को लेंगे हम
तीसरे पॉइंट से आएंगे। फिर तीन के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ, सौ, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है, तो सौ गुणे तीन बराबर कितना हो जाएगा, 300। 100 गुणे 3 बराबर 3×3 और पीछे दो जीरो लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 300। देखिए 3×1 बराबर 3, इसके पीछे अगर 100 है, 3×100, ठीक है, तो इसके पीछे कितना जीरो बचा, दो ना, तो इसके पीछे दो जीरो हम लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से 3×3 पीछे दो जीरो लग गया, हमारा 300 हो गया। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अगर कोई भी संख्या आपको दी हो तो इसी तरीके से आप स्थानीय मान निकालेंगे। पहला ये हमारा क्या होता है, इकाई होता है, ये दहाई और सैकड़ा होता है। अगर आपको दे रहा है जैसे 25 का दिया, तो 25 में हमको 5 का निकालना है, तो सिर्फ 5 का निकालेंगे, तो 1×5 = 5, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। जो अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, या ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें निकालना है 5 का, तो 5 इकाई या 5 इसका निकल गया, अब 6 का निकल, 67 का निकालना है, तो अगर आपको 67 का निकालना है, ठीक है, 6 × 2 = 7 का, अब इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 67 में 6 का निकालना है, तो हम इसको ना निकालने के बजाय इसको नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इसको, ठीक है, ये हमारा इकाई, इसको हम छोड़ देंगे, और ये हमारा दहाई, ठीक है, 10 जो है, तो हम लिख देंगे 10×6 बराबर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो आप इस बॉक्स में क्या भर देंगे, 6 × 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप 60, ठीक, 6 × 2 = 60। फिर इसमें 28 का निकालना, सेम तरीका, 2 × 2 या आपका क्या हो जाएगा, 20, और ये चीज़ें हैं। फिर आ गया, अब जीरो का निकालना, बता दें इसको भी आपको, चौथा, 60 में 0 का निकालना, ठीक है, तो हम क्या इकाई के स्थान पे 1×0 बराबर क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या में 4×0 = 0, 3×0 = 0, 100×0 = 0, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा कराते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इकाई के हमारे स्थान पे 1 हमने लिखा, गुणे लगाया, फिर जीरो यहाँ पे था, जीरो हमने लिखा, 1×0 = आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो जो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इकाई या 0, ठीक है। 1 का निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2, यहाँ पे लिख देंगे 10। यहाँ पे 5 का निकालना, 5 इकाई, और यहाँ पे लिख देंगे 5। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपके पास वीडियो सेंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको जितना भी पढ़ाया गया उसे अच्छे से आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लीजिएगा।